महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कहा है कि अगर मुंबई में बॉलीवुड को खत्म करने या शिफ्ट करने के लिए जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझा जा रहा है कि उनका यह बयान पिछले कुछ महीने से बॉलीवुड के विवादों में रहने के कारण आया है। मुंबई की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, मुंबई न केवल भारत की वित्तीय राजधानी है बल्कि यह सांस्कृतिक राजधानी भी है। बॉलीवुड और सिनेमा बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हैं। उन्होंने आगे कहा, बॉलीवुड अपने सिनेमा के लिए दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है और हॉलीवुड फिल्मों की तरह ही शानदार और अच्छी फिल्में बनाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह देखा गया कि एक निश्चित वर्ग के लोग इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और कष्टपूर्ण है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म निर्माताओं को लुभाने के लिए राज्य में फिल्म सिटी बनाने की योजना की घोषणा की थी। ठाकरे ने बैठक में थिएटर मालिकों को सूचित किया कि राज्य के सांस्कृतिक विभाग ने सिनेमा हॉल दोबारा खोले जाने के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है जो कि पिछले 6 महीने से भी अधिक समय से बंद है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज गुरुवार को मल्टीप्लेक्स और सिनेमा थिएटर मालिकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह टिप्पणी की। साथ ही मुख्यमंत्री ठाकरे ने सिनेमा मालिकों से यह आश्वासन दिया कि राज्य सरकार जल्द ही मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों को फिर से खोलने के लिए SOP पर काम कर रही है। इस बीच कोरोना संकट की वजह से देश भर के सिनेमा हॉल मार्च से ही बंद थे, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए गुरुवार का दिन खास रहा क्योंकि करीब 7 महीने बाद फिर देश के ज्यादातर थिएटर खुल गए। हाल ही में थिएटर खुलने के बावजूद भी फिल्म मेकर्स कोई भी बड़ी फिल्म कोरोना काल में रिलीज करना नहीं चाहते हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।